गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू लर्नस अकेडमी सो दिस इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट थ्री फाइनल पार्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट थ्री एंड बिलीव मी ये तीन पार्ट में जितने रूल्स एंड जितने रेगुलेशन हैं इस टॉपिक के चलते प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड दैट दैट कुछ रूल्स, कुछ रूल्स, अना कुछ रूल्स रूल्स एक्सेप्शनल कॉमन सेंस वाले रूल्स ये सबका कॉम्बो पैक अगर आपको आता है तीनों पार्ट्स का तो शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके लेवल पे तो इस लीग से बाहर जाएगा ठीक है ना फिर भी अगर कोई हो तो यू कैन डिस्कस बाकी जाएगा ही नहीं ओके तो आज थर्ड पार्ट पहले खत्म करते हैं फिर आग आग आपके अगर अगर कुछ हैं तो तो बता देना अगर है ठीक तो इससे पहले दो पार्ट हम कर चुके चलते हैं so the is, मैं आपको पहले कुछ एक्सप्रेशन दे दू क्या लो ये सेंटेंस है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट इन द यस्टरडे

ठीक है कल के सेमिनार में ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे बोलो क्या वॉज बोलो सुयश वॉज ही आएगा पक्का ओके अब क्या ख्याल है इन दोनों में क्या

अच्छा आपके नीचे में तो इस ऊपर में दोनों में सिंगुलर ऊपर वाला प्लूरल नीचे वाला सिंगुलर क्या उल्टा, उल्टा। मतलब आपने तो ये चीज रख ली है ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट है पर किसमें क्या है वो exactly रिकॉल तो नहीं हो पाता वो एक्चुअली रिकॉल नहीं पाता तो कंफ्यूजन तो फिर कंफ्यूजन है इतना सा भी कंफ्यूजन है और इतना भी कंफ्यूजन है ना हार तो हार होती है एक रन से हारो या सो रन से हारो ठीक <laughs> है इसमें बताना जरा द परसेंटेज ऑफ पीपुल वॉज या वर्क वेरी लो दर्सें अच्छा ए नंबर ऑफ के हिसाब से आप दोनों ने क्या बताया था बेटा बॉस और आपने बार बताया था दो लोगों ने वाज बताया ठीक है एक बार के लिए मेजोरिटी टिक करते हैं द नंबर ऑफ क्या बताया तीनों ने इस तीनों ने अब इसमें परसेंटेज ऑफ या वर वेरी लो, वॉज अच्छा कल भी आया था एक परसेंटेज का क्वेश्चन है ना, उससे भी रिलेट कर सकते हो उसमें क्या था उसमें मैंने प्लूरल बताया था क्या नहीं आपको कल के रूल्स भी याद नहीं है परसेंटेज सिंगुलर बताया था, प्लूरल बताया था था प्लूरल याद है ना सो so, परसेंटेज के हिसाब से वॉस भर रहे हो आप मैंने भी हिंट दे दिया और एक लास्ट द मेजोरिटी ऑफ राइटर्स हैज या हैव नॉट पास दिस स्टेज राइटर्स में से मेजोरिटी का मतलब क्या होता है बहुमत ज्यादा से ज्यादा ज्यादातर भाई एक चीज को 200 में तोड़ दिया जाए तो ज्यादातर हिस्सा जो है ना जो है नॉट पास दिस स्टेज इस स्टेज को पास नहीं करके आए मान लो राइटिंग की कुछ स्टेजेस होती हैं है ना हाँ हैज नॉट द मेजोरिटी ऑफ राइटर्स हैज हाँ हैव लग रहा है हाँ Have. Have. Actually, have, has, yes. uh, has kyu? Have क्यूंट ऊपर पहले क्वेश्चन में भी एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं नीचे पे और पास कर देते तो <laughs> नॉट हटा दो पास कर दिया या हैव पास दिस स्टेज तो फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थिंग ये तो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा बच्चे हमेशा वर्ब सब्जेक्ट से चलती है तो आप इसके तो देख ही क्यों रहे हो अब बताओ चलो अब बदलना चाहोगे क्या आंसर मैंने हिट दे दिया कि इसको तो देखना ही नहीं है सब्जेक्ट नॉट विद सब्जेक, द ऑब्जेक्ट और एनी अदर थिंग ठीक है चलो और अगर स्टेज का फिर स्टेजेस कर दू लेट मी कंफ्यूज यू अब बताओ क्योंकि अगर आप सोच रहे हो तो फिर ये भी सोचोगे स्टेज का स्टेजेस होता तो क्या होता आराम से

वर आएगा ना ना के के साथ साथ तो तो मैंने भी भी दे दिया था percentage singular चलती कितनी भी हो ना। और और देखो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की A number of और the number of. इसका मतलब क्या होता है ये बताओ अभी दो मिनट में याद करा दूंगा जिंदगी भर के लिए मतलब बता दो बस ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ कुछ नंबर तो है तो नंबर तो पर भी है students, ना? Anything, ना तो ए नंबर ऑफ का मतलब क्या है बहुत सारे एक नंबर था एक नंबर यानी एक संख्या थी तो एक संख्या थी तो बहुत सारे लोग हो गए ना जुमला के तो बहुत सारे में हम हमेशा प्लुरल वर्ड लगाएंगे नहीं लगाएंगे अब इसको मैं ऐसे लिख देता ए नंबर ऑफ की जगह मैनी तो अब आप लगाते हैं मैनी स्टूडेंट्स के साथ वर्ग बहुत सारे में लगाते हैं ना सो यू कैन कंसिडर ए नंबर ऑफ इक्वल टू मैनी ए नंबर ऑफ इक्वल टू मच या मैनी है ना ठीक है डन ओके अब बात करते हैं द नंबर ऑफ तो द नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या किसी चीज की संख्या तो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स की संख्या छोटी है अब वो संख्या चाहे से एक करोड़ ही क्यों ना है पर है तो वो एक ही संख्या तो, तो एक संख्या है ना उस संख्या क्या है उससे फर्क पड़ता है क्या जैसे मैंने कहा कि गोनिका गोनिका इज ए नाउन तो गोनिका इज एस सिंगुलर नाउन ना अब उसका नाम गोनिका है और वो कहां रहती है इस चीज पे फर्क पड़ेगा क्या सिंगुलर प्लुरल होने का उसके एडिशनल फीचर्स पे फर्क पड़ेगा क्या सो इट इज अ वन नंबर इट इज अ वन नंबर तो अगर ये एक ही नंबर है तो ये सिंगुलर होगा नहीं होगा अब ये उस नंबर के फीचर्स हैं कि एक करोड़ है समझ में आ रही है बात द नंबर ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज की संख्या बताना कि इसकी संख्या ये है आप ऐसे तो लिखते हो लेट अ नंबर बी एक्स ए नंबर्स लिखते हो क्योंकि एक बार में आप एक नंबर की बात कर रहे हो तो लाइक द सेम इट इज से नंबर इट इज ए नंबर तो द नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या तो संख्या तो एक ही है

द मेजोरिटी ऑफ एंड द परसेंटेज ऑफ द मेजोरिटी ऑफ सिंगुलर एंड द परसेंटेज ऑफ और द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ सिंगुलर ठीक है तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं है क्रिएट करना है चले नेक्स्ट ग्रामर के क्लास में आते आते हमारा ये वीडियो थोड़ा सा कहीं एक तरीके से रुक ही जाता है हा जी अब दो इमोर्टेंट एक्सप्रेशन हमारे ग्रामर में द द लेटर आपने सुना होगा नहीं सुना क्या द फॉर्मर लेटर जो वर्ड है वो उसमें तीन लेटर लिख रहा हूं एक तो इधर लेटर लिखा हुआ है ही सही एक ये लेटर होता है और एक और होता है क्या एक वो लेटर भी होता है यस देखो ये लेटर तो नाउन है जिसका मतलब होता है चिट्ठी पत्र या अक्षर भी बोलते हैं लेटर है ना लेटर जो है एडवर्ब है इसका मतलब होता है बाद में किसी भी चीज को बाद में करना एक्शन होने का टाइम बता रहा है और यह लेटर होता है एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताता है इसका मतलब होता है बाद वाला ये तो है बाद में यह है बाद वाला बाद में मतलब एक्शन बाद में हुआ तो एक्शन की परिभाषा बता रहा है मतलब एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और यह वाला किसी संज्ञा सर नाम के लिए आएगा भाई बाद वाला लड़का बाद वाला क्वेश्चन तो फिर किसी संज्ञा सरनाम के लिए आएगा तो इट इज एन एडजेक्टिव इट इज एन एडजेक्टिव संज्ञा की विशेषता बताने वाला कौन होता है भैया एडजेक्टिव होता है तो अभी मैं इस लेटर की बात कर रहा हूं एल ए टी टी ई आर जो कि एडजेक्टिव है डन अच्छा इन दोनों का तो पता नहीं है मतलब इन दोनों के बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता पता तो क्यों नहीं है बट इन दोनों के बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता बट ये वाला लेटर सबसे पहली गलती तो ये हो जाएगी कि ये वाला लेटर इज ऑलवेज यूज विथ ए द तो मैंने एक्सप्रेशन में द लेटर लिखा है तो आपको याद ही नहीं रखना लेटर आपको याद ही द लेटर रखना है हमेशा ही ये वाला लेटर एल ए टी टी आर ठीक है ना ये तो कभी भी नहीं लेगा कहने का मतलब है अभी मैं ज्यादा एडवर्क में घुसना नहीं चाहता क्योंकि आर्टिकल नहीं लेता है ना तो ये तो ये कभी भी नहीं लेगा और ये लेटर एज पर नाउन की जो यूसेज है उसके हिसाब से ए एन द तीनों ही ले सकता है या नो आर्टिकल भी होता है तो नो आर्टिकल भी ले सकता है तो इसमें भी मैं अभी मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल नहीं पढ़ रहे अभी अपन है ना बाकी ये वाला लेटर जो है हमेशा क्या लेगा द लेटर और फॉर्मर के पीछे भी द तो आपको एक्सप्रेशन ही ऐसे याद रखने हैं द फॉर्मर द लेटर अब आपने ये भी समझ लिया होगा कि अगर द लेटर बाद वाला है तो ऑब्वियसली द फॉर्मर क्या होगा पहले वाला द लेटर अगर बाद वाला है तो द फॉर्मर पहले वाला दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं और दोनों के दोनों क्या हैं दोनों के दोनों क्या हैं द के साथ यूज होंगे दे विल नॉट बी यूज विथआउट द आर्टिकल द डन अब एक सेंटेंस देखे आपको और उसमें इनका इंप्लीकेशन देखते हैं पढ़ो ऑफ आयरन एंड गोल्ड ऑफ आयरन एंड गोल्ड द लेटर इज या आर मोर प्रेशियस मतलब क्या समझ में आया अच्छा मतलब बताओ तो जो, बाद तो जो बाद वाला है देखो कई बार क्या होता है कुछ नाउन या प्रोनाउन का जिक्र अपन कर लेते हैं सेंटेंस में और उसमें फिर अपन बाद में उसको रिपीट नहीं करना चाहते तो अपन ऐसे वर्ड यूज करते हैं बाद वाला पहले वाला ठीक है ना तो उनको कहते हैं अब वो बाद वाला पहले वाला उस नाउन के लिए तो नाउन को संबोधित करने वाला एडजेक्टिव होता है नहीं होता उसकी विशेषता बताने वाला ठीक है ना इसलिए उसको एडजेक्टिव की उपाधि दी गई है है ना अरे रुक तो जा द लेटर यानी कि बाद वाला और वाला और इधर द द यानी कि पहले ठीक है है मीनिंग वाइज क्लियर लेटर द फॉर्मर यानी कि यहाँ पे द लेटर किसके लिए आ रहा है गोल्ड के लिए आ रहा है और द फॉर्मर किसके लिए आ रहा है आयरन के लिए आ रहा है अब बात करते हैं इसके लिए वर्क कैसी आएगी भाई अगर ये सीधे सीधे गोल्ड रख देता तो मैं गोल्ड के हिसाब से भर देता सीधे सीधे आयरन रख देता तो स्किल्स देता ये ना तो इसने ये रखा ना ये रखा इसने तो रख दिया द द लेटर लेटर तो तो ये लेटर भी किसी के लिए तो आया है जिसके लिए आया है उसके हिसाब से पूछ लो भी तेरे को कौन सी वर्ब चाहिए समझ गए क्या ये जिसके लिए आया है उसी से पूछो तो द लेटर किसके लिए आया है गोल्ड के लिए आया है अब आपको ये तो पता है ना मैं गोल्ड कैसी वर्ब देगा क्यों गोल्ड सिंगुलर है और मान लो ज्यादा गोल्ड हो जाए तो

अनकाउंटेबल नाउन उस क्लासिफिकेशन से ही परे है कि सिंगुलर प्लूरल होना गोल्ड Gold का गोल्ड्स नहीं होगा ऐसे नहीं मैं चार किलो सोना लिया था, मैं चार किलो ऐसा होगा चार किलो सोने लिया सोना ही बोलूंगा ना हिंदी में भी अब सोना का सोने थोड़ा कर देंगे समझ गए पानी को अपन पानी कहेंगे ज्यादा पानी, पानी तो पानिया तो ना कहानी को कहानियां कर देते तो पानी को पानिया नहीं ना तो अनकाउंटेबल है ठीक है चलो तो अब कुल मिला के लेटर पूछेगा गोल्ड से और गोल्ड कहेगा भैया मैं तो सिंगुलर लेता हूं तो लेटर को भी कैसा लेना पड़ेगा वर्ब सिंगुलर ही लेना पड़ेगा समझ गए क्या सो द रूल फॉर्मर द लेटर अगर सेंटेंस में आ रहे हैं एज अ सब्जेक्ट तो उनके बाद वाली वर्ब आप पूछ लो वो किसके लिए आए हैं वो डिसाइड करेंगे इनके बाद वाली वर्ब कैसे आएगी समझ गए आप कर दो लेटर को गोल्ड सब्सिट्यूट करके फिर आप सोचो समझ गए चलो तो अगला सेंटेंस देखो शेक्सपियर हैज रिटन एंड पोएम्स बट द फॉर्मर इज या आर ग्रेटर देन द लेटर शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामाज और पोएम्स लिखी हैं फॉर्मर यानी कि पहले वाला और लेटर यानी बाद वाला बताओ हम्म बोलो सुयश सुयश बोलो आर अब तो बेस इस कह रहे थे देखो जब भी सेंटेंस में फॉर्मर या लेटर आया है तो पहला काम हमारा यह ढूंढना होता है कि किसके लिए आया है ये बाद वाला किसके लिए को कह रहा है या पहले वाला किसको कह रहा है तो दो चीजों का जिक्र कौन सा हुआ है वो सोचना पड़ेगा अगर आप शेक्सपियर को पकड़ लोगे तो शेक्सपियर तो एक ही किसी और राइटर या फिलोसोफर का जिक्र तो हुआ नहीं अगर होता तो मैं शेक्सपियर को पहला या बाद में कंपेयर करता यहां पे जिक्र हुआ है ड्रामाज एंड पोएम्स ये है वो दो चीजें जिनके लिए फॉर्मल लेटर यूज हुआ है शेक्सपियर एंड बहुत सारे ड्रामा भी लिखे हैं बहुत सारी पोयम भी लिखी हैं लेकिन जो पहले वाले हैं यानी जो ड्रामाज हैं वो ज्यादा ग्रेट हैं बजाय के पोयम से यानी उसने ड्रामा ज्यादा अच्छे लिखे हैं बजाय के पोयम से तो यहाँ पे फॉर्मर एंड लेटर को सब्सिट्यूट करो जिनके लिए आए हैं तो यहाँ पे ड्रामाज लिखूंगा और यहाँ पे पोयम्स लिखूंगा लेटर यानी बाद में इसका अब ड्रामास के हिसाब से सिंगुलर चलेगा प्लूरल चलेगा प्लूरल चलेगा तो फॉर्मर लेटर अपने हिसाब से नहीं चलते हैं ये जिनके लिए आए हैं उनके हिसाब से चलते हैं तो पहले वाला है तो पहले वाले भी हो सकता है और बाद वाला है तो बाद वाले भी हो सकता है यहां पे इसका मीनिंग हो जाएगा पहले वाले बाद वाले बाद से ज्यादा ग्रेट डन और पिछले वाले में मीनिंग था पहले वाला बा... नहीं बाद वाला पहले वाले से ज्यादा प्रेशियस है यानी की कि कीमती ठीक है डन ओके सो रूल भी पढ़ लो एक बार इन एक्सप्रेशन के बाद में आने वाली वर्ब न के बाद इनके बाद में आने वाली वर्ब उस नाउन के अनुसार फिक्स होती है जिनके लिए इनका प्रयोग इन एक्सप्रेशन का प्रयोग किया गया है उस नाउन के अनुसार इनके बाद वाली वर्ब फिक्स हो जाएगी समझ गए क्या ठीक है नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है बट अगर वो वर्ब यूज कर रहा है है ना अगर वो वर्ब यूज कर रहा है तो फिर फॉर्मर और लेटर का नाउन जरूर देगा आप ये ये बात भी सही है कि जरूरी नहीं है कि उसी सेंटेंस में लेटर आ गया तो फॉर्मर भी आना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है

या एलई डबल टी ई आर कर दें तो एज मीनिंग आपको यहां पे बाद वाले के लिए एल ए टी टी ई आर करना पड़े ठीक है चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं मोर देन वन पर्सन हैज साइंड द पेटिशन पेटिशन का मतलब क्या होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखते हैं हाँ ठीक है पर होती क्या ये एज ए फी नॉट फी रिक्वेस्ट जैसे आप अपने स्कूल में रिक्वेस्ट देते हो कि सर मैं कल नहीं आ सकता लीव एप्लीकेशन देते हो तो इट इज ए रिक्वेस्ट बट इट इज ए रिक्वेस्ट अबाइड बाई लॉ बाई याचिका है याचिका मतलब एक आग्रह करना एक रिक्वेस्ट करना बट ऐसे ही नहीं भी जाके जैसे आपने मेरे को रिक्वेस्ट लेटर दे दिया तो वो दे एक रिक्वेस्ट लेटर है लेकिन आपने कोर्ट में जाके एक याचिका तय करी तो वो पेटिशन बन जाता है आप कई बार अपने रूल्स चेंज कराने जैसे एग्जाम से रिलेटेड रूल्स चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स पटिशन साइन करते हैं जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करी ठीक है ना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया कि ये गलत है हमारे हमारे समाज के साथ ऐसा हो रहा है अनुसुना हो ऐसा होता है तो उन समाज वालों ने जाके कलेक्टर के आगे एक पटिशन साइन करके दे दिया सबने ने की ये रिक्वेस्ट है हमारी की इसको खारिज कर दिया जाए तो वो पटिशन एक साधारण रिक्वेस्ट लेटर नहीं है वो अबाइड बाई लॉ है तो फिर वो रिक्वेस्ट लेटर से प्रमोशन हो गया उसका वो क्या बन गया पेटिशन बन गया न्याय याचिका इसको में कहते हैं न्याय याचिका ठीक है या पेटीशन एक से ज्यादा लोगों ने पेटिशन साइन किया है mm -hmm. has. Mm -hmm. has, और अब क्या ख्याल है mm -hmm. इसमें हैव चलो अब क्या ख्याल है ये आप सोचो मैं दो मिनट में आया चलो बताओ यश आपने क्या सोचा पहले वाले में क्या बनना चाहिए yes. पहले में हैव और दूसरे में दूसरे में हैस अब मुझे बताओ पहले वाले में हैव क्यों ठीक है और इसमें हैस क्यों मोर बॉयज देन वन ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताते हैं कि इन दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है अगर आप ये याद रखो कि इन दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों का मीनिंग ये है कि एक से ज्यादा लोग एक से ज्यादा बॉयज हैं दोनों में है ना सबसे पहले तो ये चीज याद रखनी है कि दोनों का मीनिंग सेम है दोनों का मीनिंग सेम है लिखने का अलग अलग तरीका है जैसे मुझे लिखना है कि मोर देन वन बॉय तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मोर देन वन बॉय और मैं ऐसे लिख सकता हूं मोर बॉयज देन वन दोनों का मीनिंग सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है बेटा आगे वाले से क्यों देखते हो अभी कितनी बार डिस्कस किया मैंने वर्ब ऑलवेज डिसाइडेड बाय द सब्जेक्ट आगे वाले को देखना ही क्यों देखना ही क्यों बस एक केस में हमने आगे देखा था जब वो एडवर्ब और सब्जेक्ट उठ के आ गए थे है ना अंडर ए ट्री वाला क्वेश्चन था उसके अलावा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने आगे वाले से सब्जेक्ट वर्क को डिसाइड किया ठीक है ना हाँ तो इसको तो देखो ही मत हाँ, अब बात करते हैं तो मोर देन देन वन वन पर्सन में में भी एक में भी एक एक से से ज्यादा ज्यादा लोग हैं मोर बॉयज लोग हैं दोनों में एक से ज्यादा लोग हैं दोनों का मतलब भी सेम है बट स्ट्रक्चर वाइज ये अलग है स्ट्रक्चर वाइज अलग है आप ऐसे याद रखेंगे कि आप हमेशा इसमें आप हमेशा इसमें किससे चलोगे किससे चलोगे जो नाउन यूज हो रहा है उस स्ट्रक्चर के अंदर जो नाउन यूज हो रहा है वो नाउन डिसाइड करेगा कि वर्ग कैसे चलेगी तो इसमें एक सिंगुलर नाउन यूज हो रहा है और इसमें एक ठीक है डन तो स्ट्रक्चर से मोर देन अच्छा एक और चीज इसमें हमेशा अगर मोर देन वन इस वाले स्ट्रक्चर में आप कोई कहे कि सर इसमें अगर प्लुरल आ जाए तो प्लुरल आ भी नहीं सकता ना वन के बाद वाली नाउन हमेशा सिंगुलर आएगी तो इस स्ट्रक्चर की एरर भी आ सकती है वर्क की एरर छोड़ो इस स्ट्रक्चर की एरर भी आ सकती है कल को ऐसे आ जाए मोर देन वन पर्सन तो स्ट्रक्चर में ही गलती है ठीक है ना तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो साथ की चीजें भूलते जाए ऐसा नहीं है ना स्ट्रक्चर में भी गलती हो जाएगी और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है मोर के बाद तो ऑब्वियसली नाउन प्लूरल आएगी देखो इसमें ये वन के बाद आ रही है इसमें ये मोर के बाद आ रही है तो मोर के बाद जो चीज आएगी नाउन प्लूरल लेगी मोर के बाद जो नाउन आएगा प्लुरल आएगा वन के बाद जो नाउन आएगा सिंगुलर आएगा और वर्ब एज इट इज चलेगी नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगर नॉन प्लूरल तो यानी कि इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूं मैं मोर देन वन पर्सन को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूं बोलो मोर पर्सन वन और इसको इससे लिखने का बस एक ही फायदा होता है इसमें ज्यादा फोकस होता है कि वहां पे एक से ज्यादा लोग थे वो सिंपली कहना होता है कि एक से ज्यादा लोग थे और इसमें ज्यादा फोकस करके कहना होता है कि भैया एक से ज्यादा लोग थे बस हाँ अब इसमें हैव हैव आ आ जाएगा जाएगा हाँ आ जाएगा अब के हिसाब से क्या बात वही है ठीक है डन समझ आया क्लियर है ठीक है और इसको दूसरे फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा पहले वाले फॉर्म में लिखूं मतलब मोर देन वन बॉय मोर देन वन बॉय हो जाएगा वन के आगे आएगा तो सिंगुलर आएगा और फिर वर्ब भी सिंगुलर चलेगी हैस आ जाएगा ठीक है चले नेक्स्ट रूल पे ओके

क्या फ्लॉक और फ्लॉक का मतलब होता है झुंड बेबी मतलब बेबी मतलब एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स है तो सारे ग्रुप लेकिन बस फर्क ये पड़ता है कि कौन किसका होता है बेबी हमेशा गर्ल्स की होती है अच्छा। लड़कियों की टोली बेबी ऑफ गर्ल्स होता है हमेशा बेबी ऑफ बॉयज नहीं हो सकता है ना ठीक है ब्लॉक यानी खंड होता है खंड जैसे हमारे ब्लॉक ए ब्लॉक बी डिवाइडेड हम एड्रेस बताते हैं कहते हैं ना ब्लॉक ए ब्लॉक बी पूरे एरिया को खंड में डिवाइड करके ब्लॉक ए ये ब्लॉक बी

देखो क्या होता है वैसे तो फ्रूट इज एन अनकाउंटेबल नाउन फ्रूट इज एन अनकाउंटेबल नाउन फ्रूट का फ्रूट्स नहीं होता है समझ गए ना फ्रूट का फ्रूट्स फ्रूट्स नहीं होता बट fruit इस केस में होगा क्योंकि फ्रूट वैसे अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन अगर वो काउंटेबल की तरह यूज हो जाए देखो अगर मैं जनरली कहूं फ्रूट जैसे मम्मी कल बाजार से फ्रूट लाई है ना एक सेंटेंस होगा मम्मी कल बाजार से फ्रूट लाई लेकिन किसी सेंटेंस मुझे फोकस करना होता है मुझे फोकस करना होता है कि वो फ्रूट जो थे वो तीन एप्पल थे या वो तीन बनाना थे इस चीज पे मुझे फोकस करना होता है तो उस कुछ एक्सेप्शनल केसेस में उसको मैं फ्रूट लिख देता हूँ ठीक है ना अब आप ये भी आप बंच ऑफ कह रहे हो तो गुच्छा तो कुछ चीजों का होगा ना तो वो चीजें ज्यादा होंगी तभी तो, तो गुच्छा होगा वो चीजें एक है तो गुच्छा कैसे बनाओगे अभी एक चाबी का गुच्छा बना सकते हो क्या हाँ बना सकते हो एक चाबी का गुच्छा बना के बताओ नहीं बनाओगे तो बंच कुछ कुछ गुच्छा कुछ मोर देन वन थिंग्स का होगा तो इस सेंस में हमने फ्रूट्स लिख दिया बाकी जनरली फ्रूट होता है बंच ऑफ के बाद फ्रूट्स अदरवाइज फ्रूट फ्रूट केसेस में fruit, अभी एक्सेप्शनल केस जैसे एक ए बन गया तो सेंटेंस के आसपास कुछ ऐसी चीजें जबरदस्ती को प्लूरल सेंस देना पड़ रहा है वो एक अलग बात है जैसे हेयर और हेयर्स भी होता है ये नाउन में सिखाया था आपको हेयर और हेयर्स ठीक है ना जनरली हम हेयर कहते हैं हर हेयर इज ब्यूटीफुल लेकिन कई बार हेयर को प्लुरल सेंस में लिया जाता है जैसे कि देयर आर टू वाइट हेयर ऑन योर कॉलर तो सेंस में डिपेंड करता है ना यहाँ पे वहां पे हेयर का मतलब टोटेलिटी पूरे सिर के हेयर की बात हो रही है टोटेलिटी की बात हो रही है ना टोटेलिटी की, की बात करें तो वो सिंगुलर की तरह काम करता है और वहां पे अलग अलग दो बालों की बात हो रही है स्पेशली वो स्ट्रेंथ्स की बात हो रही है पर्टिकुलरली दो से तो वहां पर प्लुरल ठीक है ना चलो शुरू करें तो मुद्दा तो यह है कि इनके बाद में वर्ब सिंगुलर या वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मुद्दा तो यही है कि इनके बाद में वर्ब सिंगुलर तो सेंटेंस देते हैं अपन सीधे ही गैंग ऑफ रॉबर्स वाज या एवर अरेस्टेड अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज या आर रीचिंग चार सेंटेंस दूंगा सीरीज ऑफ लेक्चर्स सीरीज मतलब समझते हो श्रृंखला बैंड हमेशा म्यूजिशियंस का होता है बजाने गाने वाले लोग ठीक है तो चारों में सेलेक्ट करो फटाफट हाँ क्या सब में सब में सिंगुलर ओके okay. सब में सिंगुलर डन आराम से देख लो ए गैंग ऑफ रॉबर्स रॉबर्स क्या होते हैं रॉबिंग करने वाले चोरी करने वाले है ना चोरी करने वालों का एक गैंग है जिनको पुलिस ने पकड़ लिया है अरेस्ट हो गए वो टीम समझते ही हो है ना दल प्लेयर्स की टीम होती है जयपुर पहुंच रही है सीरीज मतलब श्रृंखला मिल्टन के ऊपर मिल्टन कोई टॉपिक है मान लो कोई इंसान के ऊपर भी अपन लेक्चर दे सकते हैं ना मिल्टन के ऊपर एक सीरीज ऑफ लेक्चर है जो प्रोफेसर झा डिलीवर करेंगे या कर, करा था कैसे भी ले लो ना और म्यूजिशियंस के जो बैंड है वो इस प्रोग्राम में एंगेज थर्ड में बार लग रहा है एंड व्हाट अबाउट फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सब में सिंगुलर बोलो आपका क्या ख्याल है क्या सब में आ, आपको क्या लग रहा है सब में सिंगुलर ओके okay. तो सब में सिंगुलर आएगा ओके द आंसर इज दंच ऑफ ए गैंग ऑफ ए सीरीज ऑफ सबसे पहली चीज तो इनके बाद नाउन आएगा है ना और नाउन के बाद वाली बर्ड सिंगुलर आएगी ये लिखा हुआ नहीं है बट इनके बाद नाउन आना कंपलसरी है वैसे अगर ऑफ हटा दें तो कोई जरूरी भी नहीं है बट मैंने ऑफ के साथ लिखा है ना एक्सप्रेशन तो इनके बाद नाउन आएगा ही आएगा जैसे ए बेबी ऑफ समथिंग और फ्लॉक ऑफ समथिंग अगर मैंने ऑफ हटा दिया तो फिर जरूरी नहीं है नाउन आया है ना तो फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ ए टीम इज डायरेक्टली बोल सकता हूं टीम किसकी है वो बताना जरूरी नहीं है ठीक है द मुद्दा इज कि इनके साथ में वर्ब कैसे आएगी हमेशा सिंगुलर तो आप एक शॉर्टकट याद रख सकते हो कि बेटा सबके आगे ए आ रहा है तो दुनिया में केवल एक ही ऐसी चीज है दो है एक्चुअली एक मुझे अभी माइंड में नहीं आ रही और एक अभी अभी करी है अपन ने ए नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ दुनिया में अकेली ऐसी चीज है जो ए लेने के बावजूद वर्ब प्लुरल लेती है कहीं भी लिख लो उसके अलावा सब सिंगुलर उसके अलावा सब सिंगुलर ठीक है अब एक और चीज है जो ए लेने के बाद सिंगुलर डिसाइड नहीं होता उसमें वो एक्सप्रेशन मेरे माइंड में नहीं आ रहा क्या नहीं नहीं ए लेने वाले लोग सिंगुलर लेते हैं या प्लूरल लेते हैं बात इसकी चल रही है तो ए नंबर तो प्लूरल लेता है ये सारे लोग सिंगुलर ले रहे हैं अब एक ऐसा एक्सप्रेशन हो रहा है जो ए लेता है ना और उसके आगे सिंगुलर प्लूरल डिसाइड इतनी आसानी से नहीं हुआ था वो एक्सप्रेशन मुझे याद नहीं आ या रहा हो सकता है अगली शीट में मिल जाए नहीं तो फिर मैं को जैसे याद आएगा आपको बताऊंगा ठीक है ना जो पता है वो तो बता रहा हूँ ठीक है इसमें बाकी सब में ए में सिंगुलर केवल दो ही एक्सेप्शन है एक तो ए नंबर ऑफ और एक जो मुझे याद नहीं आ रहा एक तो ए नंबर ऑफ तो फिक्स है प्लूरल लेगा ही लेगा और वो जो याद नहीं आ रहा वो याद आएगा तब बताऊंगा कि सिंगुलर लेगा कि प्लूरल लेगा याद ही नहीं आ रहा तो क्या मैं टिप्पणी करूँ उसमें है ना एक्चुअली शायद उसमें डिपेंड करता है उसमें कुछ रूल्स होता है ना ठीक है हो सकता है अगली अगलिश में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है चलो तो ठीक है तो यहाँ पे तो आप सिंगुलर एक गैंग एक एस, एक एक Actually, एक गैंग ऑफ 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 रॉबर्स ए ए ए ए ए ए टीम टीम प्लेयर्स सीरीज बैंड एक्चुअली सीरीज और आपको ये भी बताया था हिंट दिया था मैंने कि ऑफ प्रीपोजिशन से अगर दो चीजें कनेक्टेड हो तो बाद वाली चीजें नहीं होती लेफ्ट साइड वाली चीजें होती तो लेफ्ट साइड वाली एक है ना एक है ना कल को एक गैंग की जगह टू गैंग्स हो जाए तो प्लुरल भी कर सकते हो कुल मिला के लेफ्ट साइड वाली से डिसाइड होंगी अब वो सिंगुलर है तो सिंगुलर लेफ्ट प्लूरल है तो प्लुरल चले नेक्स्ट लास्ट रूल ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर देखो कुछ एक्सप्रेशन बताया था ना एक याद नहीं आ रहा मुझे तो ये पिछली सीट में कहीं दिखाई देता आपको है ना पिछली सीट में नहीं दिखाई देर रूल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है ना तो दो एक्सप्रेपन बता दिया मैंने है ना ए नंबर ऑफ ए लॉट ऑफ इनके अलावा दुनिया में किसी के आगे ए आए सिंगुलर लगा दो मस्त ठीक है सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो डेली यूज के हैं कोई भी आपको अलग नहीं लगेगा है ना इस तरह के वर्ड्स अक्सर हमको दिखाई देंगे एग्जाम में और इनके आगे कुछ नाउन लगाएगा और नाउन लगा के फिर बार पूछेगा जैसे कि सेंटेंस है द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैज या हैव फेल्ड इन दिस एग्जाम रेस्ट ऑफ का मतलब होता है बचे हुए बचे हुए है ना रेस्ट मतलब बचे हुए।

हाँ. आप बोलोगा है ओके नेक्स्ट सेंटेंस पकड़ के रखना अपना ना अपना मतलब आंसर याद रखना द रेस्ट ऑफ द टास्क वॉज यर्ड डन बाय राम आप क्या ख्याल है Was. Was. और पहले क्या बताया आपने Have. मतलब rest of के साथ आप लूरल और सिगुलर दोनों लगा सकते हो अभी तक तो आपको ये लगा है ना चलो दो सेंटेंस और देते हैं फिर डिसाइड करो वही जिसकी बात कर रहे थे हम एलॉट ऑफ और बड़ा इंपॉर्टेंट है यह अलॉट ऑफ है ना लॉट ऑफ बुक्स थर्ड में तो आ रहे हैं हाँ क्या कहा मैंने एक अनकाउंटेबल नाउ ने बिल्कुल है है जाएगा ठीक है इसमें भी है इसमें है और ऊपर वाले में ठीक है सो द रूल एज कि ये एक्सप्रेशन के बाद में जो आपको नाउन दिखे ना वो नाउन ही वर्ग को डिसाइड करेगा तो शायद आपने सारे सही बताया उस हिसाब से है ना ये इसके बाद में जो नाउन दिखे ना वो नाउन ही वर्क को डिसाइड करेगा ऐसा लेकिन पहले नहीं था पहले नाउन डिसाइड नहीं कर रहा था नाउन आएगा ऐसा जरूर कहा था लेकिन डिसाइड क्या होगा कि सिंगुलर चलेगी डिसाइड क्या होगा कि हमेशा क्या चलेगी सिंगुलर चलेगी अब देखो द रेस्ट ऑफ के बाद स्टूडेंट्स आ रहा है तो है कार्य बचा हुआ, का हुआ बोला बच्चे हुए नहीं बोला यहां पे टास्क के हिसाब से क्या आ जाएगा जाएगा यहाँ पे एलॉट ऑफ के बाद बुक्स आ जाए तो आर है और एलॉट ऑफ के बाद मनी आ जाए विच इज एन अनकाउंटेबल नाउन तो है तो आपके सारे आंसर्स करेक्ट हैं। देखो एल लॉट्स ऑफ नहीं होता लॉट्स ऑफ होता है फिर एलॉट ऑफ या तो ऐसे होता है एलॉट ऑफ और ये होता है लॉटस ऑफ दोनों का सेम रूल है बाद वाला डिसाइड करेगा ठीक है ठीक है ना अच्छा अब यहां पे वैसे तो ये रूल हो चुका है लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है इस एक्सप्रेशन को याद रखना देखो हम लिखते हैं वन थर्ड अब मैथ्स में हम टू थर्ड भी लिखते हैं या बोलते हैं बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में वन थर्ड होता है और टू थर्ड नहीं होता टू थर्ड होता है देखो तीन में से एक हिस्सा तो हिस्सा है तीन में से दो हिस्सा कैसे होगा दो हिस्से होगा ना टू थर्ड का मतलब क्या होता है तीन में से दो तो जैसे यहां पे ये यह और one की one से जैसे ये टू बन जाता है तो प्लूरल फॉर्म में आता है ठीक है जैसे कि वन फोर्थ वन फोर्थ ठीक है तो उसको तो वन फोर्थ ही कहेंगे लेकिन थ्री फोर्थ हो जाए तो थ्री फोर्थ नहीं कहेंगे क्या कहेंगे थ्री फोर्थ कहेंगे तीन हिस्से हो गए ना भी। चार में से तीन हिस्से हो गए ऐसा इंग्लिश में होता है बाकी मैथ्स में अपन थ्री फोर्थ भी कह देते हैं थ्री फोर्थ ऑफ दिस नंबर मैथ्स में ग्रामर ग्राम देखी जाएगी वहां पे तो कैजुअल में आपको जो टॉपिक वहां का समझ में आना चाहिए किस भी लैंग्वेज में समझ में आया वो मुद्दा होता है ठीक है ना जैसे कि आपको एक मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था चार नाउन वाले चैप्टर में कि आपने अक्सर हॉस्पिटल्स में जहाँ पे ऑपरेशन किए जाते सर्जरी की जाती तो बाहर लिखा हुआ देखा होगा ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन थिएटर ये लिखा हुआ होता है ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन थिएटर का इंग्लिश डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है एक्चुअली जो वर्ड होता है जो टर्म होती है ऑपरेटिंग थिएटर क्या होती है ऑपरेटिंग थिएटर अब आप ऐसे बहस नहीं कर सकते कि सर इतना बड़ा डॉक्टर जो सर्जरी कर रहा है वो गलत लिखेगा क्या तो उसने लिखा है क्या वो वो थोड़ा ना टेबल पे चढ़ के लिख क्या है ठीक है ना और उसको ऑपरेशन करना है उसको ग्रामर से कोई लेना देना है क्या वो थोड़ा ना पेशेंट आता है ऑपरेशन के लिए तो उसको बोलता है लेट जा तेरे को नाउन सिखाता हूँ जब तक मैं तेरी सर्जरी करूंगा बीठे बैठे तेरे चलते चलते तू बोर हो रहा होगा चल नॉट पॉसिबल उसका काम है सर्जरी करना अब सर्जरी करने की चाहे सर्जरी की स्पेलिंग उसको नहीं आती हो बट वो अपने काम में माहिर है उसको सर्जरी करना आता है ठीक है ना तो इट दिस हैज नथिंग टू डू विथ बाई स्पेलिंग क्या होगी है ना ये दो तो अलग अलग बातें हैं ठीक है ना बेटा ऐसा तो इंग्लैंड में तो भिखारी भी अंग्रेजी बोलता है करोड़पति है है ना उन दो चीजों को अलग अलग रखेंगे अपन है ना समझ गए तो यही बात है कि टू थर्ड मैथ्स में चल जाता है लेकिन इंग्लिश में टू थर्ड होगा तो स्पेसिफिकली ये एक्सप्रेशन इसीलिए रखा गया है इस चीज से भी ज्यादा इसलिए रखा गया ताकि आपको याद हो टू थर्ड बाकी इसके बाद नाउन आएगी और इस नाउन के हिसाब से बर्फ चलेगी वो तो चलेगा ही चलेगा वो तो चलेगा ही चलेगा डन तो, तो ये ए वाला रूल भी क्लियर हो गया ए किसी के भी आगे आए सिंगुलर एक्सेप्शन है केवल दो रूल एक तो है ए नंबर और ए लॉट ऑफ ए लॉट ऑफ ए नंबर में तो क्या हो जाएगा प्लूरल फिक्स हो गया इसमें इसमें तो. इसमें इसमें तो, तो 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 का मतलब मतलब तो होता होता है है बहुत सारे, इसका तो हो जाएगा plural. और इसमें आने वाली आगे वाली आगे डिसाइड करेगी वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल इट ठीक है डन सो वी आर डन विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ लो इन एक्सप्रेशंस में आने वाली वर्ब इनके बाद में आने वाली नाउन के अनुसार फिक्स होगी ठीक है कोई स्लाइड बचती नहीं है हम और कोई टॉपिक बचता नहीं है अब आपके सेंटेंसेस जो बचते हैं और आप कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो इसका टेस्ट दोगे क्या कल एज पर माई शीट दोगे ठीक है तो कल टेस्ट के लिए आ जाओ पहले मेरी शीट के अकॉर्डिंग और उसके बाद आपके कोई सेंटेंस है तो पूछना ठीक है ओके थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग टू अस है नाइस डे कीप लर्निंग